यार कागज में एप्पल का प्रोडक्ट आता है, शर्म करो यार, शर्म करो। ये देखो इसका सारा चूपर का फटा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए मीशो को। ऑलराइट गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से गैजेट ऑर्डर करके अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था और एक्चुअल में आप लोग को वो वीडियो काफी ज्यादा पसंद भी आए थे, लेकिन गैजेट इतना अच्छा नहीं था। और जो सेकेंड वीडियो मैं आपके लिए किया था उसमें का गैजेट डेफिनेटली पहले वाले से बेटर था, तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मेरा था ये मिक्स सा हो गया था। सो आई वॉज थिंकिंग कि एक और मीशो वीडियो करते हैं जहाँ पे पता लग जाएगा कि कितना अच्छा थर्ड एक्सपीरियंस रहने वाला है, फिर इस बेसिस पे हम जज करेंगे कि आपको मीशो से गैजेट ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आप मीशो से कुछ भी ऑर्डर करो तो यहाँ पे एम ट्रस्ट करके एक लेवल लगा रहता है, वो देखना। अगर उस प्रोडक्ट पे है तो डेफिनेटली वो जो प्रोडक्ट आएगा वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्चुअल जो दिखता रहता है वैसा कुछ आएगा। ओके, ये मेरा कहना था। तो गाइस, हमने थर्ड वीडियो के लिए मीशो से गैजेट ऑर्डर करके मंगवा लिया है, यहाँ पे 9 प्रोडक्ट है मेरे पास। अब देखते हैं ये कैसा निकलता है, फिर इस बेसिस पे हम जज करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो इस बार क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। पहले जैसे आपको याद होगा, आप जब क्लास में रहे होंगे तो जब अपना नोटबुक जमा करते थे ना तो नीचे वाला ऊपर कर दिया जाता था, तो वही काम अभी मैं किया हूँ। अगर आप लेट कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, LED मॉडलिंग लैम्प, यार इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, हाय लव। अगर गाइस आपको भी मुझसे प्यार है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जलने वाला है। इसमें नियॉन कलर का लाइट रहता है, इसे हम नियॉन लाइट भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये बैटरी से भी ऑपरेट हो जाएगा, AA बैटरी यहाँ पे लगाएंगे तो। और चाहे तो इसे पावर बैंक या किसी भी चीज़ से आप इसे, या आप अपने चार्जर वगैरह से इसे पावर दे सकते हो। और जला कर देखते हैं कितना अच्छा ये जलता है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो वॉल पे इसे लगाने के बाद कितना प्यारा सा दिख रहा है। अगर आपको किसी से प्यार है तो गिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट पे। ऐसे यहाँ पे हैंडल विथ केयर का टेप लगा हुआ है, तो मतलब समझ जाओ अंदर ग्लास का आइटम हो सकता है या कोई भी नाजुक सा आइटम हो सकता है जो फूट सकता है। आई थिंक ये है ब्लेडलेस नेक कूलर। यार गर्मी बहुत बढ़ गई है सच में। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो प्राइस के लिए टेंशन मत लेना, मीशो पे आपको सारा चीज़ और जगह से आपको सस्ता ही मिलेगा। ऐसे यहाँ प्राइस आपको दिख गया होगा जैसे मैं इसे ओपन किया हूँ। तो गाइस ये काफ़ी सिंपल सा फ़ैन है, इसे बस आपको नेक में इस तरह से लगा लेना है और फिर यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, इससे हवा आती है। तो मान लो आप कहीं पे चल रहे हो या काम कर रहे हो तो आपको पंखा होल्ड करने का या टेबल पे रखने की ज़रूरत नहीं है, बस नेक में पहन लो और हवा आपको लगती रहेगी। यहाँ पावर ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है, अजीब सा तो लगता है लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब हवा लग रहा है मेरे गालों पर दोनों तरफ, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मस्त इसे लगा और हवा खाओ। यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी से चार्ज करना है, 1800 एमएएच का बैटरी इसमें लगा हुआ है। पावर ऑन ऑफ के लिए यहाँ बटन दिया गया है और एयर वेंट यहाँ पे है, दोनों तरफ आप देख सकते हो। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो ये पावर वाले बटन को एक बार प्रेस करने पे तो ऑन हो गया, सेकेंड टाइम करने पे यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है और थर्ड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो थर्ड लेवल पे सिलेक्ट कर दो, मस्त आपको हवा लगेगा यहाँ तक, अब गाल पे नहीं, अब यहाँ तक हवा लगेगी। और ये जो एरिया है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो आपके नेक के पीछे रहेगा तो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। एंड इसके बाद ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया गया, ऐसे काइंड ऑफ आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि हेडफोन है। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे कान में दोनों तरफ से हवा जा रही है। तो काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। गाइस आते हैं थर्ड गैजेट पे, एंड यहाँ पे मीशो का ब्रांडिंग किया हुआ है। पिछले दो डब्बा मैंने जो आपको ओपन करके दिखाया वहाँ पे कोई भी मीशो का ब्रांडिंग नहीं था, तो लगता है यार कि ये प्रोडक्ट कहाँ सा है। तो ये सब चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, मीशो का लेवल लगा रहता है तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा अच्छा अनुभव रहता है। देखो इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा अच्छा गैजेट मैं आपके लिए मंगवाया हूँ। ये देखो ये क्या है, सोलर सेंसर स्ट्रीट लाइट है, और देखो इसका प्राइस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था, और इसका यूज सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वही बात है अब ये कितना अच्छा ये जलेगा इस पे डिपेंड करता है। मस्त यहाँ पे बबल रैपर है, नया नया प्रोडक्ट है, कुछ भी पुराना नहीं दिख रहा है। और क्या क्या है, ओके स्क्रू वगैरह है, इसे फिलहाल साइड में करते हैं, बबल रैपर में से इसे निकालते हैं। पीछे सोलर पैनल है, आ जाओ यार, हाँ ये कर लो पहले। तो गाइस ये जो सोलर सेंसर स्ट्रीट लाइट है इसका आप यूज कर सकते हो अपने घर के आगे, गार्डन में, स्विमिंग पूल में। इसके अगल बगल से कोई पास करेगा तो ये जलना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे सोलर है तो इससे ये चार्ज होता है। एक बार चार्ज हो गया तो 7 से 8 दिन चल जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कितना इंडक्शन हो रहा है, 50-60 बार कोई वहां से इधर उधर कर रहा है तो ये जलेगा, तो उस हिसाब से ये 7 दिन का बैटरी आपको दे सकता है। मुझे ऐसा लगा था कि ये चार्ज होगा दिन में और रात में जलना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिक दिन होते ही ये बंद हो जाएगा, मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट लगा था, बट इसका टोटली अलग ही है, जैसे ही मोशन होता है तो ये जलना शुरू हो जाता है, ऐसा वाला कंसेप्ट है इसके साथ। तो ये थोड़ा सा लगा कि यार पहले वाला होता ज़्यादा बेटर होता। तो ये हमारा अगला सा डब्बा, छोटू सा जैसा देख सकते हो, तो इसमें देखते हैं क्या है।
ये क्या है, ये क्या, देखना पड़ेगा ये किस लिए मैं ऑर्डर किया था, मैं भूल भी गया। क्या बोला तूने? मैं भूल भी गया। हाँ याद आया मुझे गाइस, इसे पता है मैं क्यों ऑर्डर किया था यार, मैं लिखना ना भूल गया था, तो मैं सोचा चलो कुछ ऐसा गैजेट ऑर्डर करते हैं जिसमें मस्त इस तरह से उंगली फंसाकर लिख सकते हैं। ये सब जो आप देख रहे हो पहले आता था मुझे लिखने, बट अभी कुछ समय से मुझे लिखने नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था। ये करता ये है कि बस इसमें दो उंगली डालो और नीचे से ऐसे करो और आपको एक अच्छा ग्रिप मिल जाएगा, फिर आपको कुछ भी लिखना है, जैसे सब्सक्राइब लिखना है तो इस तरह सब्सक्राइब लिख सकते हो और आप कर भी सकते हो, तो कर देना प्लीज। कुछ तरीका है मांगने का? ऐसे गाइस मैं आपको सच बताऊं तो इसका यूज आप काफी ज्यादा कर सकते हो, आप तो नहीं करोगे क्योंकि आपको आता है लिखने, बट आपके घर में बच्चा है तो उसे ऑफ कोर्स आप इसका आदत लगवा सकते हो, क्योंकि एक अच्छा ग्रिप बनेगा तो अच्छे तरीके से वो लिख सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट गैजेट पे। ओहो तो ये केबल प्रोटेक्टर, तो ये है गाइस काफी इंटरेस्टिंग सा चीज, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, एक जस्ट आपको अपने पावर बैंक या चार्जर के अडेप्टर में लगाना है यूएसबी, और इस तरफ से आप निकाल सकते हो। मस्त लाइटनिंग केबल हो गया, टाइप सी हो गया, माइक्रो यूएसबी हो गया, और इतना ही नहीं इसके बाद यहाँ पे तीन और आपको फीमेल यूएसबी हब देखने को मिलता है, जिसमें आप चाहो तो अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हो। तो मतलब आप एक तरफ से लगाओ और छह अलग केबल आप अटैच कर सकते हो, जहां से आप अपना अलग अलग स्मार्टफोन या कोई भी डिवाइस वगैरह है आप चार्ज कर सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स ये फास्ट चार्ज तो नहीं करेगा, लेकिन एक बार आप रात में लगा दो और छः सात डिवाइस से अलग अलग जो चार्जिंग सपोर्ट करते हैं आपका काम हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा सा है। ये केबल प्रोटेक्टर तो आपको पता ही है, किसी भी केबल का अगर आपको लाइफ बनानी है यानी कि ज़्यादा दिन तक चलाना है केबल को, तो इसे आराम से अपने केबल में लगा दो, आपका केबल प्रोटेक्ट रहेगा। तो गाइस ये हमारा अगला प्रोडक्ट, एंड अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मतलब खराब प्रोडक्ट तो नहीं आया है, या ये तो बेसिक सा प्रोडक्ट है जो आप हमेशा देखते हो, तो इसका क्वालिटी देखने के लिए मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि और जगह क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा रहता है। अब मीशो का देखते हैं, ये जो पैड आता है बच्चों को कुछ कुछ लिखने के लिए, इसका क्वालिटी कैसा है। एक यहाँ बटन बैटरी लगा हुआ है, आप चाहो तो इसे लॉक और अनलॉक भी कर सकते हो इस बटन से। एंड गाइस ये पेंसिल रहा है इसका, लेट्स सपोज आप यहाँ पे कुछ लिखते हो, काफी अच्छा लिखा रहा है, और आप चाहो तो यहाँ से जस्ट डिलीट कर सकते हो, फिर कुछ लिखो फिर डिलीट करो। ऐसे गाइस एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा इसका और अच्छा हो सकता था, हो सकता है इसका जो प्राइस है उस हिसाब से ठीक है, ऐसे मुझे ये थोड़ा ज़्यादा चीप लग रहा है, इससे डेफिनेटली काफ़ी बेटर आता है जो पोट्रॉनिक्स वगैरह का आता है ना 300 के अराउंड में, वो आप लेना, ये मत बाई करना। ओके अब गाइस अगले गैजेट पे आते हैं, एक और डब्बा। तो गाइस ये जो गैजेट है इससे आप किसी फ्रूट का जूस निकाल सकते हो, मस्त। आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसे कर देना है, यहाँ पे आपको फ्रूट डालना है और फिर से आपको कुछ इस तरह से स्क्वीज करना है, और ऐसे ऐसे करने से यहाँ पे जार में जूस आ जाएगा, फिर आप मतलब पी सकते। ₹121 का है, एप्पल कंपनी की तरफ से आता है, सो याद रखना काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मजाक कर रहा हूँ, काफ़ी चीप सा क्वालिटी है, बिल्कुल भी आप बाई मत करो यार, इससे अच्छा आप फल खा लो यार, क्या जूस के चक्कर में ऐसा प्रोडक्ट आप बाई करोगे प्लास्टिक का। नेक्स्ट गाइस ये गैजेट, अब इसमें क्या है मुझे खुद नहीं पता यार, कैसे पता होगा इतना सारा गैजेट रहता है, कुछ पता ही नहीं होता है किसमें कौन सा है, उसे ओपन करने के बाद एक सरप्राइज सा लगता है, तो अच्छा भी लगता है। मुझे तो लग रहा है जो वेस्टबिन वाला जो थैला नहीं होता है उससे इसे पैक किया गया है। ये क्या है यार, ऑफकोर्स यहाँ पेपर का यूज किया गया है, ऑफकोर्स वो डस्टबिन बैग ही रहा होगा यार, कागज में एप्पल का प्रोडक्ट आता है, शर्म करो यार शर्म करो। अब एप्पल यूजर सोचेगा मैं तो आईफोन खरीदा एकदम मस्त इतना महंगा सा चीज, और हमारा आईफोन कैसे सरी जाया है न्यूज़पेपर में, क्या बात है। ये पता ही क्या है गाइस, मैं आपको बताता हूँ, ये कैमरा लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड यहाँ कुछ इस तरह क्वालिटी है, क्वालिटी काफी चीप सा लग रहा है, ज्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं है। एक बार आप यहाँ पे बिफोर आफ्टर पिक्चर देखो, जिसमें एक ये मैं लगाकर दिखा रहा हूँ आपको और एक मैं बिना इसे लगाया दिखा रहा हूँ। ओके तो गाइस आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह क्वालिटी आता है। ओके अब गाइस आते हैं नेक्स्ट गैजेट के ऊपर। यार ये देखो, यही सब वजह है जो मुझे थोड़ा सा खराब लग जाता है। ये देखो इसका सारा चूपर का फटा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए मीशो को, मानता हूँ सस्ता है बट आप इस तरह का क्वालिटी तो नहीं दे सकते हो, क्योंकि इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब रहेगा और फिर वो बाई नहीं करेगा, राइट। अभी पता होगा आपको गाइस ये क्या है, ये तो एक केबल है नॉर्मल सा, बट इसमें क्या है कि आप इसे कुछ इस तरह से चिपका सकते हो, काफी हेवी चिपक रहा है, एंड यहाँ पे हमें एक टाइप सी और एक लाइटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह का आपको लाइटिंग दिखेगा इस केबल में, जो काफी अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी पास हो रहा है और आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर रहा है, काफी अच्छा सा दिख रहा है, और ये मैग्नेट से चिपक भी जाता है,
तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। बट वही है गाइस, ये फास्ट चार्ज नहीं कर पाएगा। फाइनली गाइस, अपना ओपिनियन दूं थर्ड टाइम के गैजेट एक्सपीरियंस का, तो देखो एक चीज मैं नोटिस किया हूं, यहां प्राइस वाइज चीजें ठीक है, बट वही है, पैकिंग इतना अच्छा नहीं है और यहां पे क्वालिटी मुझे काफी चीप सा लगा है। ऑफ कोर्स 111 रुपये 12 रुपये में फिर डिलीवरी चार्ज भी लगते हैं, तो मतलब ठीक है, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज है गाइस, मैं बोलूंगा आप थोड़ा बहुत पैसा ऐड करके यार इससे डेफिनेटली अच्छा क्वालिटी का चीज लो। जैसे ये देखो आप, ये एक राइटिंग पैड है, ये आपको 100-150 के आसपास देखने को मिलेगा। यही आप 200 से 230 रुपये का अमेजोन से बाय करते हो तो डेफिनेटली इससे अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाएगा। क्या ऑफलाइन जाकर ट्राई कर लो, ऑफलाइन भी काफी अच्छी चीज मिल जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो देखने में तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है प्लीज इन्वेंशन को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। मैं आपसे मिलता हूँ स्टूडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय। तो गाइस ये वीडियो शूट होने के बाद का नजारा, एज यू कैन सी।